हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OGI वीडियो क्लासेस लेक्चर 4th 1BCA। सी लैंग्वेज में हमने अभी लेक्चर 3rd तक अपना कवर किया था। अब 4th लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेजेस। इसको हम प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल भी बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल मतलब एक, ठीक है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है या प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसकी जो इनिशियल स्टेप्स क्या होती हैं, कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे और कैसे हमारा लास्ट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो सबसे पहला इसका पॉइंट होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। मतलब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम हमें है और उसका हम सॉल्यूशन निकालें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन यानी कि जो आपको समस्या है, जो जिस चीज के लिए हमारा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात होती है एनालिसिस यानी कि उस प्रॉब्लम की का हम जो प्रॉब्लम हमारे पास हमने बना ली आ गई है, अब उसका एक एनालिसिस करेंगे कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट्स, मतलब हमें क्या करना है, अपने आउटपुट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड है डिज़ाइन, मतलब ये हो गया इसका कि अपने प्रोग्राम को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जिससे हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो सही तरीके से आ जाए, क्या क्या हम किस वे में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया। देन आपका हो गया वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है कि हम एक चेक करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अगर जहाँ पे पूरे प्रोग्राम में जो चीज़ हम इनपुट करते हैं वो सही है या नहीं है। जैसे अगर हम कहीं पर डेट इनपुट करते हैं तो डेट की जो वैलिडेशन है वो 1 से लेकर 31 तक होती है, तो हम अपने जो प्रोग्राम होगा उसको प्रॉपर वैलिडेट करेंगे डेट के लिए कि 1 से 31 के बीच में ही रहे। मोर देन 31 अगर कोई इनपुट करता है तो उसको उसके लिए वो रॉन्ग इनपुट बता दे, या फिर 0 इनपुट करता है तो रॉन्ग इनपुट बता दे, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। या फिर एज टेस्टिंग की बात करते हैं, अगर हम एज होता है, जैसे अगर किसी के लिए आप वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हो तो आपकी एज मस्ट भी 18 प्लस होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है कि आपकी एज शुड ग्रेटर देन 17। तो ग्रेटर देन 17 में क्या हो जाएगा, आपके 18 से वो इंक्लूड कर लेगा, आपके 18 से ज़्यादा होने चाहिए, इसको वैलिडेट करने के लिए इसको बोलते हैं हम वैलिडेशन। देन होता है टेस्टिंग, मतलब आपने प्रोग्राम बना लिया, आपने डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ करने के बाद आपने वैलिडेट भी कर लिया, अब आती है बात उसकी टेस्टिंग की कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं अपने सभी आउटपुट्स पे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने आउटपुट को देखने की कोशिश करते हैं हर एक एस्पेक्ट से, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो हमारा, सभी हम उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब टेस्ट होने के बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया प्रोग्राम में बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो आपने स्पेशल टास्क के लिए अपनी प्रॉब्लम के लिए इसको बनाया था, क्या वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, उसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डिबगिंग, मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद में अगर फिर भी आपके प्रोग्राम में किसी भी तरीके की कोई गलती आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो उसको हम डिबग करते हैं। डिबग इन द सेंस, आप जो प्रोग्राम में हमारी गलती हो गई है उनको हम क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं प्रोग्राम में और अपने एरर्स को करेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिबगिंग। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मैं पिछले सेक्शन में बता चुका हूँ कि आप अपने जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो एज ए कमेंट और चाहे उसका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट हो जिसकी पूरी एक फाइल बनती है, हमारी वर्ड फाइल बना सकते हैं या आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं जिसमें आपके पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है प्रोग्राम से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, कोडिंग क्या यूज़ हुई, फंक्शंस क्या यूज़ हुए, एक वो पूरी तरीके से एक अलग फाइल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब आपका सब कुछ जब प्रोग्राम सही हो गया तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी लास्ट में हमारा उस आता है एक सेक्शन मेंटेनेंस, जिससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में अपने प्रोग्राम में या अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का हमें कोई चेंज करना है या कुछ भी मेंटेनेंस के लिए उसको मैं अपने सिस्टम में लाना है तो वो आसानी से मेंटेनेंस कर पाएँ उसको। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इसकी जो होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, इसी तरीके से इसको प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल भी बोलते हैं अपने। ये चार तरीके से इसको हम और अलग से लिख सकते हैं, जैसे जो हमारा सोर्स कोड होता है, तो पहले हम सोर्स कोड को लिखते हैं,
फिर उसके बाद हम अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, ये आपको फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लिंकिंग होती है, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं और कोड होता है आपस में लिंक करते हैं, उसके बाद फाइनली हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चार स्टेप्स हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के भी ऐसे ही होते हैं। ये चारों स्टेप्स हमारे इन्हीं सारे स्टेप्स का ही एक सॉल्यूशन निकलता है।